Hello students, welcome back. I am Gaurav Sharma, your physics teacher. Today we are going to start physics of class 9th, chapter 8, motion, video part 6. Today we are going to solve some numericals which are based on equations of motion. In the last video, I told you about equations of motion. So first equation, v equals to u plus at, second, s equals to ut plus half at square, and third equation is 2as equals to v square minus u square, or v square equals to u square plus 2as. Now we will solve some numericals which are based on these three equations of motion. Aaj hum numericals NCERT science book ke page number 109 par 5 questions hain, unhe solve karenge. So let's start with question number 1. Question 1. A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find A, the speed acquired, B, the distance traveled. Means एक बस जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है मूव करना, मतलब वो पहले रुकी हुई थी और फिर वो मूव करना स्टार्ट करती है विद अ यूनिफॉर्म एसेलरेशन से जो है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो दो मिनट में इस एसेलरेशन से मूव करती रहती है. अब पूछ रहा है उसकी कितनी स्पीड एक्वायर कर लेगी और सेकंड उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इन टू मिनट्स में. तो अगेन सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, आप लोगों को जो चीज़ गिवन हो न्यूमेरिक उसमें क्वेश्चन में उसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल आपको जो जो चीज़ गिवन है, तो यहाँ आपको क्या क्या गिवन है, आ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो. तो यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो. ए गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम टी इक्वल्स टू 2 मिनट्स. तो मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में. देन 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, देन 2 मिनट्स इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स. अब हमें फाइंड करने हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी, मीन्स वी. तो हमें मोशन की तीनों में से ऐसी इक्वेशन को देखना है जिसमें यू, वी, ए और टी ये चारों गिवन हो. तो ये ऐसा कब होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, मीन्स वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो यू की जगह हम क्या करेंगे, जीरो पुट, प्लस ए की जगह 0.1, एंड टू टी की जगह 120 सेकेंड. देन जीरो से मतलब नहीं रहा, 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 में तो आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज़ अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बस आफ्टर 2 मिनट्स. नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल. अब हमें डिस्टेंस ट्रेवल मीन्स एस फाइंड करना है. तो एस थर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. देन हमें वहाँ पुट कर देंगे सारी वैल्यूज, देन क्या हो गया, यू की जगह जीरो और टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम जीरो ही रहेगा, प्लस 1/2 ए की जगह 0.1 एंड इंटू टी स्क्वायर मीन्स 120 इंटू 120. इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 720 मीटर. तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया टू इन टू मिनट्स, 720 मीटर. नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल, आर ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट. मीन्स एक ट्रेन है, उसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, उस स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है, मीन्स यू इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर. अब वो ब्रेक अप्लाई करती है तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली बात है कम होगी, और वो स्पीड जो हो रही है उसकी कम, वो उसका रिटार्डेशन जो है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या नेगेटिव जो शो कर रहा है वो रिटार्डेशन हो गया. तो अब पूछा रहा है कि वो कितने डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगी, मतलब रेस्ट में आ जाएगी. तो हमें यहाँ फाइंड करना है एस. यू इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर, तो हमें 90 किलोमीटर आवर को किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में. तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड. एंड वी इक्वल्स टू जीरो, मतलब वो रेस्ट में आ जाएगी, इसलिए फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. ए गिवन है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. यहाँ हमें टी गिवन नहीं है, इसलिए हम टी का यूज़ नहीं करते हुए थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे. देन वी हैव एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. अब वैल्यूज पुट कर देंगे सबकी जगह, तो एस इक्वल्स टू 0 माइनस 25 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस का 0.5. इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 625 मीटर. तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रेस्ट में आने से पहले, 625 मीटर. एंड द थर्ड न्यूमेरिकल इज, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
what will be its velocity 3 seconds after the start. Now note down the quantities which are given in the question. So acceleration equals to 2 cm per second square, time 3 seconds, and initial velocity is 0 because it starts from rest. Then from equation first, v equals to u plus at, put the values in this equation, u equals to 0, a equals to 2, and t equals to 3. Then after solving this, we get 6 cm per second. This is the final velocity. अब इसे हम चाहें तो मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, बट हम 6 सेंटीमीटर पर सेकंड में भी रख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आर रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट. हेयर ए इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी इक्वल्स टू 10 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s equals to ut plus 1 upon 2 at square, put these values at and u in this equation, then we get s equals to 0 plus 1 upon 2 into 4 into 10 into 10. Then after solving this, we get 200 meter, means distance equals to 200 meter. Now you have to solve question number 5 yourself, and I will give the answer of this question in next video. Thank you. So here we end with this video. In the next video, we solve some more numericals which are based on these equations of motion. Please like and share my YouTube videos and subscribe my YouTube channel Physics by Gaurav Sharma, and also watch my other videos. Click on the I button above.